पुणे की एक विशेष अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को तलब किया है। विनायक दामोदर सावरकर के पोते की ओर से लगाई गई याचिका पर कोर्ट ने राहुल को समन किया। उन पर हिंदुत्व विचारक के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी को समन जारी करते हुए उन्हें 23 अक्टूबर को अदालत में पेश होने को कहा है। सत्य की सावरकर ने इस संबंध में अप्रैल 2023 में अदालत में मामला दायर किया था। शिकायतकर्ता का दावा है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन यात्रा के दौरान सावरकर के बारे में गलत बयान दिया, सावरकर के खिलाफ जानबूझकर बेबुनियाद आरोप लगाए। वे जानते थे कि ये आरोप झूठे हैं ताकि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सके। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने लंदन में कहा था कि सावरकर ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि वे और उनके दोस्त एक अल्पसंख्यक व्यक्ति की पिटाई कर रहे थे और जो कुछ हो रहा था उससे उन्हें खुशी मिल रही थी। इससे पहले 23 मार्च 2023 को सूरत की CJM कोर्ट ने एक अन्य मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। उन्हें मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के कारण सजा सुनाई गई थी। अगले ही दिन 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता जाने का आदेश जारी कर दिया था। नियम के अनुसार अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या इससे अधिक की सजा होती है तो उनकी सदस्यता चली जाती है। राहुल के साथ भी ऐसा ही हुआ। हालांकि बाद में राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगा दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 22 अप्रैल को अपना आधिकारिक बंगला खाली कर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि यह सच बोलने के लिए चुकाई गई कीमत है। उन्होंने कहा था कि कुछ दिन तक 10 जनपद पर अपनी मां के आवास पर रहेंगे। इससे पहले 27 मार्च को लोकसभा सचिवालय ने पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना आधिकारिक आवास खाली करने को कहा था। बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर साल 2019 में राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी जिसके चलते उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर हुआ था। इस मामले में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी माना और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। 2 साल की सजा मिलने के चलते जनप्रतिनिधि कानून के प्रावधान के तहत राहुल गांधी को 24 मार्च 2023 को संसद सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया। सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने भी राहुल गांधी की सजा बरकरार रखी, जिसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। सजा पर रोक लगाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर बहाल हो गई है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी को वो सरकारी बंगला भी वापस मिल गया जो उनकी सांसदी जाने के बाद उनसे ले लिया गया था। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।